तो प्रेजेंट टाइम में भाई ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है DJI एक्शन 3 से। तो भाई एडिटिंग के टाइम आपको डिवाइस, बहुत पावरफुल डिवाइस चाहिए आपको वीडियो एडिट करके रेंडर करने में। हैंडलिंग इसकी अच्छी है, मैंने तुरंत काट ली गाड़ी। ये टकराया है, शिट यार, चलो टूटा नहीं, बच गए। आई एम सॉरी बाबू। इसको पहले मैं उतारता हूँ यार, गर्मी लग रही है भाई साहब। 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 50 डिग्री ऑलमोस्ट। हमारे कानपुर में तो 47-48 चल रहा है और दिल्ली में 29 तारीख को भाई 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो भाई बहुत गर्मी है और गर्मी के मौसम में मोटो ब्लॉगिंग भाई नहीं हो पाता है, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो भाई देख सकते हो मैंने पूरा सेटअप अपना खोल लिया है और अब बारी बारी सबको बताता हूँ भाई इसमें क्या क्या यूज़ होगा। भाई सबसे पहले आपको देखो एक हेलमेट माउंट यूज़ होगा। हेलमेट माउंट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से भाई आप इसमें फ़ोन भी लगा सकते हैं या एक्शन कैमरा, कोई GoPro भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखो नीड पड़ेगा और बेसिकली आप कोशिश करिए कि आपको ना सबसे पहले ये जिसमें डिटैचेबल मतलब ये मिले वो ले सके, ताकि भाई बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाता है आपको एक्शन कैमरा तुरंत निकाल के, और मतलब इसको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा ना आपका। जैसे क्लैंप आपने इस तरह से दबाया, इधर से निकल लिया, तो भाई ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। अपना खोल दिया है और नीचे देख लो, यहाँ पे मैंने माइक अपना रखा हुआ है, टाइप सी माइक है, और मैंने इसको अंदर कुछ इस तरह पूरा दबाया हुआ है और काफ़ी लंबा होता है। तो भाई यहाँ पर मैंने माइक अंदर हल्का सा होल करके यहाँ पर अंदर अच्छे से दबा दिया, ताकि भाई विंड ब्लास्ट जो है ना वो विंड ब्लास्ट अंदर मतलब माइक तक ना पहुँचे और आवाज़ भी क्लियर आएगी, फटी फटी आवाज़ नहीं आएगी। हाई स्पीड में भी काफ़ी अच्छी नॉइज़ कैप्चर होगी, और मतलब आवाज़ कैप्चर होगी, विंड ब्लास्ट क्या ही, नॉइज़ क्या ही कैप्चर होगा। तो भाई ये देखो ये रहा हेलमेट, आपको एक अच्छा सा हेलमेट की भी बहुत ज़्यादा नीड होगी। तो जितना अच्छा हेलमेट रहेगा ना उतना ज़्यादा एरोडायनेमिक रहेगा और जो विंड ब्लास्ट है ना वो आपके माइक में कम रिकॉर्ड होगा। तो भाई ये देखो कुछ बस इतना ही क्लीन सा सेटअप चाहिए, और सबसे पहले इसको लगा लेते हैं। तो भाई इसको सबसे पहले लगाते हैं हेलमेट में, और एक चीज़ और दिखा दूँ भाई, जिनके जिनके यहाँ पे चिन गार्ड लगा हुआ है तो भाई यहाँ पे हल्का हल्का छेद कर लो, ताकि ये जो दो पट्टियाँ हैं ना इनमें से निकल जाए, क्योंकि अगर आप ये छेद नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से दबाना पड़ेगा और ये आपका चिन गार्ड जो है, चिन शीट जो है भाई, कर्टन जो लगे होते हैं वो ऐसे दब के ख़राब हो जाएंगे। और तो भाई जिनके हेलमेट में चिन कर्टन लगे हुए हैं भाई, वो कोशिश करिए, हल्का सा पेनफुल है लेकिन भाई यहाँ पे छेद कर लेंगे तो ये बचा रहेगा, वरना ये पूरा आपका दब के ऐसे ख़राब हो जाएगा। तो भाई ये माउंट का जो ये टेपिंग होता है, जो रिबन दिए रहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। देखो भाई आप, ये दोनों बेल्ट मैंने बांध दिए हैं। तो भाई ये देखो बिल्कुल स्टर्डी सा होता है, और इसको आप ऐसे साइड में कर देंगे ना तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, और कितनी भी हाई स्पीड रहे भाई ये नहीं निकलेगा। और कोशिश करिए भाई ये जो क्लैंप है ना ये हमेशा टाइट रहे, या तो आप इसको फेविक्विक से भी जोड़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो। तो भाई ये रहा देखो एक्शन कैमरा हमारा, और इसको एक बार ऐसे लगा लीजिए, ठीक ये लग गया, और ये जो स्क्रू है ना इसको टाइट कर लीजिए। स्क्रू टाइट करने के बाद एक बार आप एंगल चेक कर लीजिए हल्का सा, जैसे ये हेलमेट है तो ये जो ऐसा एंगल है तो आपको ना हल्का सा इसको नीचे की साइड नहीं ऊपर की साइड बेंड रखना है, क्योंकि जब आप बाइक पे बैठेंगे तो आप हल्का सा लीन होंगे तो आपकी जो आपका हेड है ना वो ऐसे रहेगा, तो GoPro बिल्कुल सीधा हो जाएगा, GoPro या कोई भी एक्शन कैमरा ऐसे सीधा हो जाएगा। कितनी भी स्पीड में चलाइए, 100, 120, 60, 70 भाई विंड ब्लास्ट नहीं आएगा, और बिल्कुल स्टर्डी सा है, और कैमरा बिल्कुल ये देखो हिला के दिखा दे रहा हूँ भाई, नहीं गिरता है और हिलता भी नहीं है बिल्कुल। तो गाइज आई होप आपको पूरा सेटअप वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। भाई बहुत आसान है, कोई इसमें सुपर साइंस वाली चीज़ें नहीं है, और बस छोटी छोटी चीज़ों को आपको मतलब देखना है कि भाई एंगल आपका सेट हो रहा है कि नहीं। एक बार बाइक पे बैठ के आप एक दो वीडियो सैंपल शूट कर लीजिए, जिससे कि आपको अंदाज़ा मिल जाए भाई इसका एंगल कितना रखना है। ठीक है, अगर आपका सिर्फ हैंडल बार दिखेगा, सामने का दिखेगा तो भाई फिर मज़ा नहीं रहेगा, और आपका सामने का दिखेगा हैंडल बार नहीं दिखेगा तो भाई फिर वो भी एक ड्रॉबैक ही है। तो एक बार पहन के दिखा दे तो भाई कैसा सेटअप, देखो मैंने स्टार्टिंग में पहन के दिखाई दिया था, और ये देखो
भाई ऐसा कुछ सेटअप है, और आप चाहें तो ये जो माउंट है इसको आप घुमा के भी लगा सकते हैं, तो एक्शन कैमरा थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा कि भाई आपके स्क्रीन में क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तो आई होप आपको अभी तक वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और चलते हैं अभी आपको सैंपल दिखाते हैं भाई इसमें इस सेटअप में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कैसा रिकॉर्ड हो रहा है और किस क्वालिटी का रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में भाई ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है DJI एक्शन 3 से, और देखो सेटअप करने के बाद भाई कुछ ऐसा वीडियो आपको रिजल्ट मिलेगा, वीडियो रिजल्ट मिलेगा। और साउंड में देखो, साउंड में मुझे डाउट है क्योंकि मेरा माइक ना थोड़ा सा जिटर कर रहा है। जिटर क्या कर रहा है, उसमें थोड़ा सा जैसे एक सरसराहट सी आवाज़ है और चुनचुनाहट सी, और ये माइक की फॉल्ट है। मैंने मतलब चेक किया था फ़ोन में भी लगा के, भाई ये माइक का ही फॉल्ट आ रहा है, हमारे सेटअप में कोई फॉल्ट नहीं है। तो देखो ऐसा कुछ भाई सेटअप है और ऐसा रिजल्ट देने वाला है। आप चाहे लंबे लंबे टूर करिए, लंबे लंबे राइड करिए, आपको देखो ये सेटअप कभी निराश नहीं करेगा। और भाई फील्ड ऑफ व्यू देखो, ऐसा कुछ फील्ड ऑफ व्यू आता है, और आप भाई एडिटिंग के टाइम देखूंगा कैसा फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है भाई फील्ड ऑफ व्यू बहुत सही आ रहा होगा। आहा, ब्रेकर था भाई बहुत बड़ा सा, गाड़ी जंप करी, मज़ा आता है भाई। ये जो सेटअप है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैंने लास्ट वीडियो शूट किया था, बस प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा सा नीचे का एंगल नहीं मिल रहा था। और देखो ये रहा कुछ वीडियो सैंपल, अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 48 FPS पे, 48 या 45 FPS जो होता है ना, 60 FPS पे शूट हो रहा है ना 30 FPS पे शूट हो रहा है, भाई बिल्कुल बीच में शूट हो रहा है। और आपको वीडियो रिजल्ट देखो कैसा आ रहा है। बेसिकली भाई इस एक्शन कैमरा में कोई भी एक्शन कैमरा लेंगे तो भाई उसमें जो वीडियो साइज़ है, चाहे आप 1080p पर ही शूट करेंगे, लेकिन भाई उसमें ना आपको साइज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा, वीडियो साइज़ होगा, स्टोरेज आपको बहुत ज़्यादा यूज़, मतलब स्टोरेज बहुत ज़्यादा खपत होगी। अब 9 मिनट की वीडियो मैंने शूट किया, तो भाई 2 वीडियो शूट किया था मैंने 9 मिनट के, 3.5 GB 4 GB के बीच में बैठा था। तो भाई एडिटिंग के टाइम आपको डिवाइस बहुत पावरफुल डिवाइस चाहिए आपको वीडियो एडिट करके रेंडर करने में, एक्सपोर्ट करने में। भाई आज से हमारा देखो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप यही है, और फ़ोन से मोटो ब्लॉगिंग करोगे तो ऐसा फील्ड ऑफ व्यू नहीं मिलेगा आपको, कभी भी नहीं मिलेगा ऐसा फील्ड ऑफ व्यू। तो कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, आपके कोई भी डाउट होगा मैं ज़रूर क्लियर करूँगा। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्वेश्चंस पूछिए, सवाल करिए, अच्छा लगता है सवाल जवाब करना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, ज़रूर 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 लाइक कर लीजिए भाई, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है। यहाँ से लेंगे यूटर्न भाई, देखो ये रहा कुछ वीडियो सैंपल, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे और चलेंगे अब घर सीधे। आई होप भाई साउंड ठीक से रिकॉर्ड हो रहा हो, क्योंकि माइक भाई गलती हो गई मेरे से बहुत बड़ी। ठीक है, मुझे एक ब्रांडेड ईयरफोन या एक ब्रांडेड माइक ही लेना चाहिए था, सस्ते चक्कर में भाई साउंड से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आंटी का देख रही हैं यार, देख रही हैं ये बउआ हेलमेट में का लगाइन है। क्यूट गर्ल रिएक्शंस भाई, कैमरा देखते ही अच्छे अच्छे देखते हैं, क्या लगा रखा है ये भाई। देखो ये रहा हमारा कुछ सेटअप, अब चलते हैं घर सीधा। देखो आज थोड़ी राहत है, राहत क्यों है, क्योंकि धूप कम है, लेकिन धूप कम है इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी कम है, गर्मी बराबर ही है, धूप कम है बस। और भाई हमारे कानपुर में जा रहा है 46-47 डिग्री सेल्सियस जा रहा है टेम्परेचर, दिल्ली में जा रहा है 49 डिग्री सेल्सियस, और राजस्थान में भाई 50-51 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। भाई ये क्या हो रहा है, ये भगवान पता नहीं किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। और देखो यहाँ पे दोनों तरफ पेड़ हैं, तो भाई देखो जो एक लू लगती है ना, लपट लगती है, वो थोड़ी कम है, और विंड ब्लास्ट भी कम आता है। तो भाई जितना हो सके सब लोग पेड़ लगाइए अपने घर के बाहर, पार्क में, पार्क देखो पब्लिक पार्क होता है, लेकिन ये मत समझिए कि पब्लिक है हम क्यों लगाएं, भाई सबकी ज़िम्मेदारी है। आप लोग अगर अभी से ही दो दो पेड़ लगाना स्टार्ट करेंगे तो भाई 3 से 4 साल में आपको छांव देना चालू कर देगा, और बहुत भाई राहत मिलेगी।
हमारे देश में कम से कम 500 करोड़ पेड़ों की ज़रूरत है, 500 करोड़ पेड़ की ज़रूरत है, और लगभग हर साल भाई करोड़ों पेड़ काट दिए जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, हाईवेज़ के लिए, जंगलें काटी जा रही हैं। तो भाई जब इंसानों की ये हाल हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, जब इंसानों का ये हाल है तो भाई सोचो जानवरों का क्या हाल हो रहा होगा। हम लोग तो घर में रह रहे, एसी में रह रहे, कूलर में रह रहे, लेकिन भाई जानवर कौन से एसी में रहेंगे, कौन से कूलर में रहेंगे। तो भाई उनके लिए भी सोचिए कुछ। और सेटअप भाई पसंद आया है अगर, देखो भाई पिल गए। वो साला कार वाला और इसने अजीब सा ब्रेक मारा, देखो इसने बचा लिया। पता नहीं कहाँ टकराया है, अब उतर के देखना पड़ेगा भाई हम भिड़े कहाँ हैं। हैंडलिंग इसकी अच्छी है, मैंने तुरंत काट ली गाड़ी। ये टकराया है, शिट यार, चलो टूटा नहीं, बच गए। और उसने जो गाड़ी काटी है ना भाई, बहुत गंदी काटी है, वो भी देख रहा चूतिया पल्सर वाला की गाड़ी आ रही है, साइड हो जाए, लेकिन उसको जाना था राइट। ऐसे देखो छोटे मोटे नोक झोंक होते रहते रोड पे, और ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप रुकिए और सामने वालों को, ज़िंदगी है, रोड है, ऊंच नीच चलती रहती है। तो सेटअप पसंद आया गाइस, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अगला वीडियो में देखो कंपैरिजन करेंगे, पहले मैं आईफोन से शूट करता था और अब GoPro से शूट कर रहा हूँ, तो मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और क्या रिज़ल्ट में डिफरेंस है, ठीक है। तो वो पूरा शेयर करूँगा और डिफरेंस बताऊँगा भाई फ़ोन से और एक्शन कैमरा से शूट करने में क्या बड़ा डिफरेंस आता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।